हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि जैसे आपका किचन में जो ये देखे चूल्हा है, ये जिससे कि गैस सिलेंडर्स में इसमें कनेक्शन होता है और आप इससे खाना बनाते हैं, तो जो ये जो पाइप आपको लगाने का तरीका है वो मैं आपको बतलाता हूँ कि ये पाइप कैसे लगेगा, जिससे कि आपको किचन में कभी आग लगने का कोई भी डर नहीं रहेगा, ना ये पाइप निकलने का डर रहेगा। वैसे आग लगने का मतलब क्या है, अगर जैसे यहाँ से पाइप निकल जाता है जब ही आग लग सकता है, नहीं तो वरना वैसे नहीं लगेगा। तो इसी को मैं अच्छी तरह से आपको पाइप लगाने का तरीका बतला रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ, यह देखिए, तो आपको कैसे लगाना है यह देखिए। यह देखिए, ऐसा क्लैंप आता है मार्केट से जो कि आपको गैस की दुकान में मिलेगा। ये 5 रुपये 4 रुपये का आता है, तो इसी को आपको लगाना है, इस क्लैंप को। यह देखिए, दो है, एक इधर लगेगा रेगुलेटर साइड और एक इधर चूल्हे के साइड। तो ये देखिए, मैं आपको लगा के बता रहा हूँ कि कैसे लगेगा। ये देखिए, पहले इसमें आपको पाइप के अंदर क्लैंप डाल देना है। ये देखिए, जैसा कि अब डल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लगाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब ये जो है क्या है, पूर्ण रूप से इसके ऊपर चढ़ गया है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे आपका लगा भी ये बाय चांस ये निकल जाता है, तो निकलने से क्या होगा, आपका रेगुलेटर वहाँ चालू रहेगा और ये निकल जाएगा, इतने में आग पकड़ लेगा। और आग पकड़ने के बाद आपको किचन से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा कि पूरी किचन में आग लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो क्लैंप है, ये जब मैंने पहले आपको बताया कि पाइप के अंदर डाल दें, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, इसको हल्का सा लूज करके, ये देखिए, हल्का सा लूज करके आपका ये जो चूल्हे का क्लैंप है, ये जो लोहे का, इसमें आपको यहाँ चढ़ा देना है। यह देखिए, इस तीर पर, यह देखिए। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको टाइट कर देना है पेचकस से। यह देखिए, यह देखिए, इस तरह से आपको टाइट कर देना है। टाइट मतलब पूरी कस देना है। यह देखिए, अब ये जब कस जाएगा तो 100% है कि कभी जीवन में भी नहीं निकल सकता है। जीवन में क्या, आप इसे 2-4 आदमी मिल करके भी खींचेंगे जब भी ये नहीं निकल सकता है, क्योंकि अब ये देखिए, ये टाइट हो गया बिल्कुल। ये देखिए, तो यहाँ से लीक की पूरी 100% संभावना ख़त्म हो गई। ये देखिए, या निकलने का भी, कि कभी भी ये आपका लाइफ टाइम पाइप नहीं निकल सकता है। यह देखिए, तो ये तो मैंने आपको बताया चूल्हे की तरफ लगाने का। ठीक इसी तरह यह देखिए, अब ये रेगुलेटर की तरफ भी लगेगा, रेगुलेटर की तरफ भी निकलने का पूरा चांस होता है, तो रेगुलेटर की तरफ भी निकल जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, रेगुलेटर की तरफ भी उसी तरह से आपको लगाना है। जैसे ये देखिए, क्लैंप पहले हमने पाइप में डाल दिया, उसके बाद आपको इसको रेगुलेटर में लगाना है। ये देखिए, ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ठीक इसी प्रकार से करना है ताकि आपके जीवन में कभी किचन में आग लगने का बिल्कुल खतरा नहीं होगा। आग जब ही लगता है जब गैस लीक होता है, और गैस जब लीक होता है जब कहीं से हमारा पाइप निकल जाएगा जब ही लीक होगा, नहीं वरना वैसे नहीं हो सकता है। यह देखिए, अब आपको ये पाइप लगाने के बाद मैंने क्लैंप लगा दिया है। यह देखिए, और इसको भी जैसे हमने चूल्हे की तरफ टाइट किया था उसी तरह इसे भी इस तरह से टाइट कर देंगे। यह देखिए, ये देखिए, इस तरह से आपको टाइट करना है। अब देखिए, आपको दोनों तरफ से सेफ हो गया, पाइप निकलने का बिल्कुल सेफ हो गया, आपका इधर चूल्हे की तरफ भी नहीं निकलेगा और रेगुलेटर की तरफ भी नहीं निकलेगा। तो जब पाइप नहीं निकलेगा तो लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी तो किसी तरह की दुर्घटना नहीं होगी। देखिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये कस गया, उसके बाद आप, यह देखिए, अब आपको जैसे हमने पाइप लगाने के लिए आपको बताया, उसके बाद फिर आपको रेगुलेटर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी लगा बतलाया है कि रेगुलेटर कैसे लगता है। यह देखिए, आपको यहाँ गैप दिखाना है, ये क्लैंप इधर घुमा करके, और हल्का सा इसको इस तरह से दबाना है। यह देखिए, अब ये लग गया, और इस तरह से फिर स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ से ऑन हो जाएगा, इस तरफ से ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।